गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निलनायक मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इस सिद्धांत को और भी कई नामों से जाना जाता है। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे शायद कि उपभोक्ता व्यवहार का परंपरागत सिद्धांत, सबसे पहले इसी का यही नाम था, उपभोक्ता व्यवहार का परंपरागत सिद्धांत। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी इसको कहा जाता है, लेकिन मार्शल ने इसका एक अलग नाम रखा है, ठीक है, उन्होंने लिखा है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो इसको मार्शल के उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि और भी बहुत सारे नियम बने थे उपयोगिता से रिलेटेड, या सीमांत उपयोगिता से रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत बनाए थे, जिनमें मैं नाम लूंगा प्रोफेसर जेवंस, प्रोफेसर वालरस, प्रोफेसर मेंजर आदि ने इस प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। लेकिन इन सभी को एक विधिवत रूप में आगे बढ़ाने का काम प्रोफेसर मार्शल ने किया और इन्होंने अपने सिद्धांत में निम्न बिंदुओं को शामिल किया। अब हाँ, हम आज इन सभी पे वन बाय वन हम चलेंगे आगे टॉपिक पे, तो इन सभी को डिस्क्राइब करेंगे, इन सभी पे बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले उपयोगिता। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि की मात्रा को उपयोगिता कहा जाता है और उसको मापा भी जा सकता है, क्योंकि प्रोफेसर मार्शल का जो ये सिद्धांत है ये गणनावाचक है, यानी उपयोगिता की गणना की जा सकती है। इसको हम आगे बताएंगे किस तरीके से गणना की जा सकती है। तो किसी वस्तु से जो संतुष्टि मिलती है वो उस मात्रा को ही उपयोगिता कहा जाता है, और जिस वस्तु से जितनी ज्यादा मात्रा में संतुष्टि मिलेगी वो उतनी ही ज्यादा उपयोगी होती है। तो इस तरीके से उनके विचार थे, तो इस तरीके से उपयोगिता के बारे में उन्होंने कहा है। इसके बाद में गणनावाचक दृष्टिकोण, तो अभी बात हमने करी थी कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार ये जो सीमांत उपयोगिता है उसकी गणना की जा सकती है। तो गणना के अनुसार हाँ, हम एक टेबल बनाएंगे आगे, तब आप समझोगे कि ये गणना किस तरीके से की जाती है जो हमारी सीमांत उपयोगिता उसकी। तो इस तरीके से अब आगे जो हमारे जो टॉपिक है, जो प्रोफेसर मार्शल ने अपने सिद्धांत में जो चीजें दी है वो है सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता सॉरी उपयोगिता ह्रास नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इन सभी बिंदुओं को इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है और ये इसके मुख्य बिंदु थे। तो हम वन बाय वन सभी पे चलेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु से प्राप्त एक अतिरिक्त इकाई के रूप में जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता मतलब होता है किसी वस्तु से एक एडिशनल इकाई या अतिरिक्त मात्रा, किसी वस्तु से एक अतिरिक्त मात्रा या जो भी स्टार्टिंग में एक वस्तु से जो मिल रहा है उसको सीमांत उपयोगिता कहा है, और इन सबको जोड़ते चलते हैं इन सभी को तो वो कुल उपयोगिता हो जाती है। यदि कुल उपयोगिता हम लेते हैं तो इन सभी का अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है वो सीमांत उपयोगिता होती है। और एक 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 इकाई की यदि उपयोगिता की बात करें तो वो सीमांत उपयोगिता होती है। तो इस तरीके से सीमांत उपयोगिता हम समझ सकते हैं। तालिका के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम एक तालिका बनाते हैं, उसके द्वारा बात करते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता किस तरीके से क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है। तो आप अच्छे से इजी से समझ पाओगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को। तो सबसे पहले हम सीमांत उपयोगिता पे चलते हैं। सीमांत उपयोगिता में हमें टेबल बनाते हैं, इसमें क्वांटिटी लिख रहा हूं किसी वस्तु की, इसमें कोई भी वस्तु हो सकती है, और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें ब्रेड का, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति पहला ब्रेड लेता है वन, तो उसको उससे बहुत ज्यादा उपयोगिता मिलती है, इसको हम फील कर सकते हैं। ये एक फीलिंग्स होती है, जैसे हम पहली रोटी खाते हैं भूख लगी है जबरदस्त,
तो पहला जब आप पहली जो रोटी खाओगे उससे आपको बहुत ज्यादा तृप्ति मिलती है, बहुत ज्यादा उससे आपको यानी उपयोगिता मिलती है, यानी बहुत ज्यादा उसका फील करते हो कि मजा आया उसमें खाने में, तो उसे फीलिंग्स को ही हाईएस्ट नाम दिया जाता है। तो हमने कहा भाई ठीक है, इससे हमें उपयोगिता मिली 10 इकाइयों के रूप में, ठीक है। दूसरी रोटी खाते हो तो उसमें उतना मजा नहीं आता है जितना कि पहली रोटी खाने में आपको आया है, तो दूसरी रोटी खाने से आपको उपयोगिता मिलेगी कम, हम कर देते हैं इसको 7। फिर आप तीसरी रोटी भी खा लेते हो तो आपका थोड़ा पेट भर जाएगा, तो उपयोगिता उससे और भी कम मिलेगी आपको, तो इस तरीके से उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो इस तरीके से यदि आप चौथी रोटी खाते हो तो उससे उपयोगिता मिलती है 1, यानी आपको आपको पेट भर चुका होता है, तो अब जो संतुष्टि मिल रही है, जो खाने की जो स्टार्टिंग में जो चाहत थी वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो इस तरीके से इसको माप रहे हैं कि उपयोगिता धीरे धीरे एकदम से डाउन होती जा रही है। यदि पांचवी रोटी खाओगे तो पेट भर चुका होगा आपका, तो इसको हम कहते हैं 0 भी ले सकते हैं। यदि छठी रोटी खाते हो तो माइनस, इसको मैं करता हूं 2। तो इस तरीके से आपकी जो माइनस का मतलब ये होता है कि जो खाया पिया वापस आ जाएगा आपका, तो माइनस का मतलब है उल्टी ये हो सकती है शरीर, यानी कष्ट उठाने स्टार्ट कर देगा, तो वो माइनस का पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये सीमांत उपयोगिता का क्रम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसमें कि ये घटते क्रम में है, घटते बाद में 0 भी चला जाता है और माइनस में भी आ जाता है, तो सीमांत उपयोगिता सिस्टम ये घटेगी 0 पे आ जाएगी और माइनस में भी चली जाएगी, यदि आपने उस वस्तु के क्रम को रोका नहीं, रोक लिया तो आगे नहीं दिक्कत आएगी, रोक नहीं रोका आगे उसको यूज में लेते गए तो ये माइनस में भी चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा पहला टॉपिक हो गया है सीमांत उपयोगिता का, दूसरा टॉपिक हमारा था कुल उपयोगिता। अब इसी के आगे मैं बनाता हूं टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता। अब आप देखोगे कि कुल उपयोगिता क्या है भाई, तो पहले इनका योग, इन सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता होता है। अब आप देखोगे किस तरीके से कुल उपयोगिता की है, तो पहली इकाई लेते हैं 10 इकाई, तो 10 आती है। दूसरी इकाई में 10 और 7 कितनी हो जाती है, टोटल 17, 2 इकाइयों में टोटल 17 इनको उपयोगिता मिल गई है। तो इस तरीके से 17 और 3 20 हो गए हैं, 20 और 1 21 हो गए, 21 और 0 21 ही है, 21 में से 2 गए 19, तो इस तरीके से इनको सीमांत उपयोगिता मिली है। तो ये तालिका सब कुछ बता देती है कि सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है। यदि आपको कुल उपयोगिता दे दी जाए तो आप सीमांत उपयोगिता भी निकाल सकते हो। किस तरीके से निकाल सकते हो, हम आपको दिखाता हूं। यदि हम इनको पहले लिख लें, इनको मिटा देते हैं, तो आप किस तरीके से निकालोगे इनको, तो सबसे पहले तो जो 10 है वो 10 का 10 ऐसे के ऐसे ही लिखना होता है। अब आपको देखना है कि इनका अंतर क्या है, वो अंतर इधर लिखना है, 10 और 7 17 के बीच में 7 का अंतर है, 17 और 20 के बीच में 3 का अंतर है, 20 और 21 के बीच में 1 का अंतर है, 21 और 21 के बीच में कोई अंतर नहीं 0 है, ये घट गया है तो -2 का अंतर है। तो हमने इस तरीके से वापस भी निकाल सकते हैं, तो सीमांत उपयोगिता इस तरीके से इसका अंतर निकाला जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एम यू मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टी यू में चेंज अपॉन क्वांटिटी में चेंज। ये एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं सीमांत उपयोगिता का, कि टोटल जो यूटिलिटी होती है ना, कुल उपयोगिता होती है, उसके अंतर में क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है उसके अंतर का भाग लगाएंगे तो हमारी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने आपको सीधा तरीका बताया था, इसके अनुसार भी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे इधर 1 का 1 है तो ये सीधा ही आ जाएगा, ठीक है, एम यू बराबर 10 कर लेते हैं। लेकिन अगले इकाई में आप इन दोनों के बीच में अंतर आप देखोगे 1 का है, और इधर दोनों के अंतर बीच में कितने, सॉरी इधर टीयू में अंतर कितना है, 10 और 7 17 में अंतर है 7 का, और
इधर दोनों में अंतर है एक का, एक का साथ में बारह लगाएंगे तो सात आएगा। इसी प्रकार से अगले 17 और 20 में अंतर है तीन का, इधर दो और तीन में अंतर है एक का, ये भाग लगाएंगे तीन आ जाएगा। इसी प्रकार से 20 और 21 में अंतर है एक का, और तीन और चार के बीच में अंतर है एक का, तो इस तरीके से एक आ जाएगा। इधर वही सिस्टम है कि आगे इनके अंतर में इसके अंतर, इधर तो अंतर एक एक का है, तो जो जिसमें भाग लगाएंगे वही आ जाएगा। तो इधर इनका अंतर ही है जो सीधा आ जाता है, जैसे 7 3 है, जैसे 7 3 1। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अब जब एक लिखा होता है तो जो स्टार्टिंग जो पी होती है उसी को हम सीधा लिखते हैं, तो इस तरीके से 10 का 10 कर लेते हैं। तो ये यहाँ से 10 से स्टार्ट हो जाता है ये, तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। तो आप इस तरीके से इनको इजी वे में निकाल सकते हो। अब आप इसको डायग्राम में कैसे बनाओगे, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि डायग्राम में इसको कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें ये दोनों दिखाई देंगे। तो इन आंकड़ों को मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, क्वांटिटी MU TU को इधर थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ताकि डायग्राम अच्छे से क्लियर से आप देख सको। ये 1 2 3 4 5 और 6, इधर हो गया 10 7 3 1 0 -2, इधर हो गया 10 17 20 21 21 और 19। अब हम इसको मिटा देते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले आपको दो अक्ष बनाने होते हैं। दो एक्सेस कौन से होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अक्सेस। इधर लिखते हैं इकाइयां, उपभोग इकाइयां, और इधर हम लिखेंगे कुल व सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो जो हमारे जो कंज्यूम की जाने वाली जो यूनिट्स है वो इधर आएगी नीचे, और TU MU को हम इधर इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले 6 इकाइयां हैं, समान अंतर करते हुए मैं इनको लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनके बीच में अंतर समान रहना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत आपका डायग्राम में दिक्कत आएगी बनने में, साफ सुथरा नहीं दिखेगा। तो ये हो गया। अब दोनों ही MU और TU के दोनों आंकड़े देख लेते हैं। इसका हाईएस्ट 10 है और इसका हाईएस्ट 21 है। तो हम इस डायग्राम में हाईएस्ट हमारा पैमाना है वो 21 तक लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ दो दो का अंतर करके बना सकता हूँ या 5-5 का, तो 5-5 का अंतर हम कर लेते हैं। ये 5 हो गया है, समान अंतर करते हुए चलेंगे। समान अंतर मैंने बताया आपको, समान अंतर नहीं करेंगे तो डायग्राम अच्छे नहीं बनेंगे। ये 10, ये हो गया है 15, ये हो गया है 20, और ये लगभग इसको 25 कर लेते हैं। तो इसका आधा हो गया है ये 22.5, इसको 22 पॉइंट थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको पूरा ही कर देते हैं। ये हो गया है यहाँ 25, ये वाई अक्ष, इन सबका आधा आधा कर लेते हैं सबका। तो इन सबका आधा क्या हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, ये इनका हो जाएगा 7.5, ये 12.5 और ये 17.5 और ये 22.5 हो जाएगा। तो हम ये आइडिया लगा के अपना काम करेंगे। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं TU वक्र होता है, ठीक है। TU नंबर 1, TU कितना है, 1 पे 10, तो 1 पे चले और 10 पे चले यूं, और 10 के सामने यूं एक पॉइंट लगाते हैं हम, 1 के ठीक सीधे अपन इस तरीके से लगाते हैं। फिर 2 पे 17, 2 के ऊपर चलते हैं सीधा यूं, और 17 लगभग कहां है, ये 17.5 का हमने लगाया है, तो इसके सीध में थोड़ा सा हल्का सा नीचे एक पॉइंट लगा देंगे यूं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 3 पे 20 है, तो 3 के ऊपर ठीक सीध में चलेंगे ऊपर, और 20 का ये हमारा सीधा वाला पॉइंट यहाँ और यहाँ हम लगा देते हैं,
बिल्कुल सीधे पे होना चाहिए इसके। ये यहाँ हमने बिंदु बना दिया है। उसके बाद में 4 पे 21, तो 4 के ऊपर जाएंगे और 21 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 3 इसका थोड़ा सा इधर आ गया ये, तो हम 3 को इसके सीध में लगाते हैं, यहाँ आएगा 3, 3 पे हमारा था 17 पॉइंट, 3 पे 20 था, तो 20 की सीध में 3 के ऊपर ठीक। इन सभी को यदि हम सीध में नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है कि डायग्राम अच्छा नहीं बनता है। और ये 2 के ऊपर है, ये थोड़ा सा इसको हम इधर से रखा देते हैं, ये लगभग यहाँ आ जाएगा, मामूली बहुत थोड़ा बहुत रहेगा, ओके चलता है इतना एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब है 4 पे 21, 4 के ऊपर गए और 20 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 21 मान लेते हैं इसको, ये हो गया। अब आगे कितना है, अब है 5 पे भी 21 है, तो 5 पे तो 4 पे थोड़ा सीध में आंकड़ा लिखना है, तो 4 पे लगभग यहाँ आएगा ये, और 5 पे ठीक इसके बराबर आ जाएगा, पैरेलल में बिल्कुल सीध में होगा क्योंकि अंतर नहीं है दोनों में। अब है 6 पे 19, 6 पे चलते हैं 19, ये हमारा 20 का आंकड़ा था, 20 से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, तो इस तरीके से हमने इसको लगा दिया है 20 से हल्का सा नीचे करते हुए, तो ये हमारा जो वक्र था वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें इसको यहाँ मिलाना है, इसको यूं मिलाना है, इसको यूं मिलाना है, ये बिल्कुल सीधा रहेगा और ये इस तरीके से आ जाए, तो इस तरीके से इनके नाम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पीयू कुल उपयोगिता वक्र हो गया है। अब हम क्या करते हैं एमयू सीमांत उपयोगिता वक्र, ये माइनस में भी हमने लिख रखा है, तो माइनस नीचे की साइड में जाएगा, तो थोड़ा सा हम नीचे और बढ़ा लेते हैं इसको, तो ये हमारा 5 था, ये 2.5 है, तो हम इतना ही बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा आंकड़ा 2 का ही है, तो ये 2.5 तक का ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अब तो आप देखोगे सबसे पहले 1 पे तो है 10, तो 1 के ऊपर और 10 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 पे 7, 2 पे चले और 7, ये तो हो गया 7.5 क्योंकि 10 और 5 के बीच में 7.5 था, इसके ऊपर 7.5 से हल्का सा नीचे कर लेते हैं मामूली सा, ये हो गया 7.7। और 3 पे है आंकड़ा 3 का, तो 5 ये तो 5 हो गया लगभग, 5 से थोड़ा सा 2.5 से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे हल्का सा, 2.5 के ऊपर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। और उसके बाद में है 1, तो 1 तो जैसे ये 2.5 के बीच का लगभग आधा आधे से हल्का सा कम कर देते हैं, तो 1 के आसपास हो जाएगा 4 पे, ये इस तरीके से 1 आ जाएगा। फिर 5 पे 0, ये 0 यही लाइन पे ही है, और 6 पे हो गया -2, तो ये 2.5 था, थोड़ा सा इसको हल्का सा इसे ऊपर कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ ये आ गया है 2। तो इन सबको हम क्या करते हैं मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं इस तरीके से सभी बिंदुओं को, इन सभी बिंदुओं को मिलाने के बाद में इसको नाम देते हैं एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है, ये सीमांत उपयोगिता वक्र है। तो अब इनमें कुछ विशेष शायद संबंध देखने को मिल रहा है वो मैं लिख रहा हूं, वो है यहाँ 5वें पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से एक लाइन में बना के दिखाता हूँ आपको, इसको नाम ई और अब इनके नाम देते हैं, एच तक दिया था हमने इसको जी एच आई, इसको देते हैं जे और इसको देते हैं ए, इन सबको नाम भी दे दिया हमने। तो देखो आप ई बिंदु पे और जे बिंदु पे एक विशेष प्रकार की कंडीशन है, तो सबसे पहले जब डायग्राम को डिस्क्राइब किया जाता है तो सबसे पहले लिखते हैं ओ एक्स पे आपने क्या लिखा है, ओ वाई पे क्या लिखा है, उसको लिखना चाहिए। ओ एक्स पे लिखा हमने
उपभोगिकाया और ओवाई पे लिखना है कुल सीमांत उपयोगिता। फिर हम बताते हैं कि ए से क्या स्टार्ट, ए से दोनों वक्र स्टार्ट हो रहे हैं एक बिंदु से, ठीक है। पीयू वक्र भी स्टार्ट हो रहा है तो ए से एमयू वक्र भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ई और जे बिंदु हमने लिखा है इसको जे पे, तो जे पे क्या विशेष कंडीशन है वो हम बताएंगे कि जब ये पीयू अपने अधिकतम लेवल पे होता है, है? तो एमयू अपने न्यूनतम लेवल पे होता है, ठीक है। यानी अधिकतम 21 है यहाँ और यहाँ न्यूनतम 0 है, माइनस वाले को न्यूनतम नहीं मानते हैं, 0 को ही न्यूनतम मानते हैं। ये अपने को पता है कि हम ये चीज खाएंगे तो हमारे वापस परेशानी होगी, तो कोई नहीं खाता है, लेकिन खाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरीके समझते हैं, इसको माइनस को नहीं मानते न्यूनतम पॉइंट मानते हैं 0 को, ठीक है। तो ये अपने मैक्सिमम पे होता है ई बिंदु पे, तो ये अपने जे पॉइंट हमने नाम दिया इसको, तो ये अपने मिनिमम पे होता है। तो ये इनमें कुछ विशेष संबंध है। और क्या संबंध है कि ये स्टार्टिंग से टीयू तेजी से बढ़ता है जे ई बिंदु तक, और ये है ए बिंदु से जे तक गिरता है, ठीक है। अब और संबंध क्या है इसमें, ई बिंदु के बाद में ये गिरना स्टार्ट हो जाता है तो ये जे बिंदु के बाद में ऋणात्मक हो जाता है। तो इसमें विशेष रूप से तीन संबंध आए, क्या स्टार्टिंग से बोलेंगे इन बिंदु से, ये लाइन मैंने लिखी है, लाइन बनाई डैश करके ई और जे बिंदु से पीछे, इसमें टीयू वक्र तेजी से बढ़ता है ई बिंदु तक, ठीक है, और ये तेजी से गिरता है, ये तेजी से बढ़ा तो ये तेजी से गिरा, पहला संबंध ये आ गया इसमें से। अब दूसरा संबंध क्या है कि ये अपने जब अधिकतम पे होता है टीयू तो ये अपने न्यूनतम पे होता है, ये दूसरा इसका बिंदु आ गया, ये अधिकतम तो ये न्यूनतम। तीसरा संबंध क्या है कि जब ये गिरना स्टार्ट होता है टीयू, कुल उपयोगिता वक्र गिरना स्टार्ट होता है तो एमयू सीमांत उपयोगिता है जो माइनस में चली जाती है, ठीक है। तो ये इनमें तीन संबंध होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।